तो देखिए छोटा सा अपडेट ये है टर्टल्स पॉन्ड और फिश पॉन्ड का। टर्टल पॉन्ड तो तैयार हो चुका है, सबने देखा होगा, फिश पॉन्ड का भी काम बाकी है। फिश पॉन्ड का तकरीबन मैं 8 दिन हो गए मटेरियल आए हुए, देखे हैं पर मटेरियल पड़ा हुआ है, जंग पकड़ रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, सबको फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, आज एक टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है क्या बताऊँ, बहुत दुखी का है, बहुत ही सैड है। हमने सोचा नहीं था कि वीडियो बनाएंगे, लेकिन कोई भी एक फ़िश कीपर फिश रखते हैं या हॉबीस्ट है तो एक फेस प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिससे एक दूसरे को शेयर करने से क्या होता है, अगली बार अगर जो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो आपके साथ शेयर करूँ तो आप उसको फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हो। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर करो, मैं फ्यूचर में अवॉइड कर सकता हूँ। तो ऐसा एक इंसिडेंस मेरे आज कोई फिशेस के साथ हुआ है। आप अभी बोल रहे होंगे कि इतने दिन हो गए अभी भी यहाँ पर क्यों रखे हैं, यार कितना बताऊँ, इतना प्रेशर हो चुका है। ऊपर देखिए यहाँ पर सामान गिरा पड़ा है, तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं हमने सामान लाकर रखे हुए, जो वेल्डिंग करना है, इसको डोर्स डालना है और वहाँ पर काम सब बाकी है। वेल्डर को मैं फ़ोन कर रहा हूँ डेली, पता नहीं उन लोगों को क्या समझ में आता है। कभी ऐसा होता है जो अगर आप खुद कर रहे हो ना तो आप फटाफट कर सकते हो, अगर दूसरों के भरोसे पे कर रहे हो तो वो काम जल्दी नहीं हो पाता है। कभी ना कभी वो लोग दूसरे जगह काम ले लेते हैं, वहाँ पर बिज़ी होते हैं, हम लोगों को फ़ोन करते हैं तो कल आऊँगा परसों आऊँगा, ऐसा ही दिन टला देते हैं। तो इसकी वजह से पॉन्ड का काम बिल्कुल कम ही हो गया, मतलब फास्ट नहीं हो पा रहा है। अभी कल आज बहुत चिल्लाया, मैं घर के पास भी गया था, बोला कल आऊँगा, कल फिनिश करके दूँगा। अभी देखेंगे कल होता है परसों होता है कभी होता है पता नहीं। जब ये डोर्स बन जाएंगे शीट लगा दूँगा, ऊपर भी शीट लगा दूँगा जहाँ से ये पानी ना आ सके, बारिश के अंदर बारिश का पानी अंदर ना पड़ सके। उसके बाद में हम फिशेस को वहाँ पर छोड़ देंगे कोई को, उसके बाद जो मॉइस्चर फिशेस इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन इंसिडेंस क्या हुआ, हम लेकर आया कोई फिशेस को, कोई फिशेस का क्या होता है, दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं इनके लिए। एक, खाना बहुत ज़्यादा खाती हैं क्योंकि बड़ी साइज़ में होती है, अप्रॉक्सीमेटली 12 से बड़ी इंचेस हो जाती हैं, तो उनका खाना ज़्यादा होता है, हर बार खाना पूछती रहती है और इतना बड़ा मुंह खोलते रहते हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने यहाँ पर सम फिल्टर है, फिर भी मैंने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अलग से यहाँ पर एक लगा लिया है क्योंकि इतको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं। और यहाँ पर अभी 11 फिशेस हैं, 11 फिशेस, पहले 12 थे, 11 फिशेस में एक सफिशेंट है। ऐसा नहीं लो कि आप लोग ओवर क्राउड कर रहे हो, ऐसा नहीं, 5 फीट टैंक इनके लिए सही है। अभी ऊपर शिफ्ट कर दूंगा साइड में 5 फीट में तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे इनके लिए ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है। कोई फिश, गोल्ड फिश और इन फिशेस के लिए 24 घंटे ज़्यादा देना ज़रूरी है, हालांकि हर फिशेस को देना ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये बहुत ही टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो इंसिडेंस क्या हुआ, जो आज का वीडियो बनाने का मकसद है शेयर करने के, वो इंसिडेंस क्या हुआ, मैं बेंगलोर में दूसरी जगह पर कहीं शूट करने के लिए चला गया था, पूरा दिन घर पे नहीं था। अभी तो बिजली सब जगह जा रही है, आपको पता है बिजली का शॉर्टेज हो रहा है, तो बिजली चली गई। तो मैं 8 बजे गई, शाम में 6 बजे बिजली आई। तो हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, हमारे पास कभी भी हमने इन्वर्टर नहीं डाला है, यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है। तो 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कितने 10 घंटे बिजली चली, 10 घंटे ये टॉलरेट नहीं कर पाए। अगर मैं घर में रहता तो शायद मैं उसको कुछ देखभाल करता, पानी चेंज कर देता, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रिप्लेनिश हो जाता। अगर ऐसा कुछ होता है, पानी 50% चेंज कर दो, नए पानी में फिर ऑक्सीजन रहेगा, वो इस तरह उनको रिकवर होता रहेगा, थोड़े थोड़े हर 2-3 घंटे में पानी चेंज करते रहो, नया ऑक्सीजन मिलता रहेगा। लेकिन 8 घंटे कंप्लीट इनको ऑक्सीजन नहीं था, तो गैस्पिंग करने लगी, ऊपर से घर से मुझे फ़ोन आने लगे कि फिशेज ऐसी कर रही है। तो मैं तकरीबन उस टाइम पे 37 या 47 किलोमीटर दूर था, तो काम कर रहा था। अभी मैं आने के लिए भी 1 घंटा ट्रैफिक बेंगलुरु में ज़्यादा रहता है, 1.5 घंटा कुछ लग जाता है। तो फिर मैं निकल गया देखते ही कि ऐसा ऑक्सीजन कर रही है, गैस्पिंग कर रही है, व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो मिला कि ऐसा हो रहा है, क्या करना है। मैं बोला पानी चेंज करो। उस टाइम पे ये शामत क्या बताऊँ मैं, इस मुसीबत या जो भी कहे, गिरफ्तारी कहें, उस टाइम पे बिजली ना होने की वजह से ऊपर पानी भी ख़त्म हो चुका था। अभी पानी चढ़ाने के लिए बिजली नहीं है, मोटर से ऊपर चढ़ाते ना, बिजली नहीं है तो पानी कैसे चढ़ाएं, पानी चेंज करने के लिए पानी नहीं है। तो ऐसा करके 2 फिशेस मर गई, कोई फिशेस बहुत ही। तो ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बस ओवरऑल यही है, वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। मैं क्यों बना रहा हूँ, अगर आप कोई फिशेस रखते हो, इवन पॉन्ड में या कहीं भी, मेरे साथ जो हो आपके साथ ना हो,
हालांकि मैं हर चीज़ का प्रिकॉशन रखता हूँ, फिल्टर हीटर सब रखता हूँ, अभी बिजली का तो प्रिकॉशन मैंने नहीं रखा था, मैंने सोचा नहीं था कि इतने टाइम तक बिजली जाएगी। तो बिजली की वजह से मर गई, मेरी वजह से नहीं, मेरी इनप्रॉपर केयर की वजह से नहीं मरी, मेरी लैक ऑफ केयर से नहीं मरी, बल्कि बिजली से मरी। बिजली नहीं आई थी तो क्या करें, अभी हम तो खुद बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हाथ में या कुछ मशीन लेके। तो उस दिन था, इंसिडेंस हो गया। तो बस इस वीडियो के थ्रू आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपके पास फ़िशेज़ ज़्यादा हैं या कोई फ़िशेस है या आपके पास गोल्ड फिश है, इस तरह के जो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने वाली फ़िशेस हैं, इवन सब फ़िशेस का ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन थोड़े फ़िशेस ऐसी हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, जैसे सिस्लेट्स भी हैं, उनको भी 4-5 घंटे अगर बिजली ना हो तो वो भी गैस्पिंग करना शुरू होते हैं, फिर उलट पलटना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप घर के अंदर एक्वेरियम है तो मैं सजेस्ट करूँगा इस टाइम पर, अभी शॉर्टेज बहुत हो रहा है बिजली का, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐसा पंप लेकर रखो जो बैटरी ऑपरेटेड हो, बैटरी ऑपरेटेड के जरिए जो चलता है, 4-5 घंटे बैकअप चलता है, वो आजकल मार्केट में मिल जा रहे हैं 1,000-1,500 रुपये में, वो ले लो, या इन्वर्टर डाला लो। अगर आपके पास पैसा है तो इन्वर्टर घर पे डाला लो, UPS डाला लो, या आप बैटरी ऑपरेटेड एक पंप लगा लो। देखो मैंने लगाया है यहाँ, जिस दिन बिजली का प्रॉब्लम हुआ उसी दिन मैंने यहाँ पर देखिए बैटरी ऑपरेट लगा लिया, 16,000 रुपये खर्चा किया, अभी मैंने लगाया। अभी मेरे घर पर कभी भी बिजली नहीं जाएगी, पोन में भी मैं 24 घंटे ऐसा कनेक्शन दूंगा पोन के अंदर भी, एक्स्ट्रा एयर पंप चला के भी, मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अभी जागरूक हो चुका हूँ मैं, तो वहाँ पर भी 24 घंटे के लिए मैं कनेक्शन दे दूँगा कि कभी भी बिजली जाए ना आए, ऑक्सीजन चलता रहे, मैं वो करा दूँगा। ये 16,000 रुपये का मैंने खर्चा करके डाला दिया है। अभी सारे फिशेस को जो है 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी, लाइट मिलती रहेगी, जो भी हो मिलती रहेगी। देखो सिटलेट्स को मैंने वहाँ पर रख दिया कोने एक कॉर्नर में, एक टैंक है वहाँ पर, क्योंकि झगड़ते थे ज़्यादा टैंक की जगह छोटी साइज़ होने की वजह से, इसलिए उनको अलग रखा वहाँ पर। जब ये ऊपर का पॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे जो भी यहाँ पर ये फिशेस हैं ये पूरे यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, फिर इसमें देखते हैं क्या होगा। ये अरोना फ्लोहान को ऊपर लेके आऊँगा, इसमें जो है इधर लेके आऊँगा, ये जो फिशेस हैं पॉन्ड में लेके जाऊँगा। तो धीरे धीरे काम होता रहेगा, मैं भी एक मिडिल क्लास आदमी हूँ तो एट ए टाइम पूरा स्पेंड नहीं कर सकता, मैं भी स्ट्रगल करके बहुत मुश्किलों से पैसा जमा जमा के ये सब प्रोजेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है तुरंत लेके आ जाओ, बहुत मुश्किल होता है। खैर मेरा मुद्दा ये नहीं था कि मैं क्या मेरी प्रॉब्लम्स शेयर करना मुद्दा नहीं था, मेरा ये एम था, मेरा टॉपिक था आज का, क्या अगर इस सिचुएशन में बिजली ज़्यादा जा रही है उस टाइम पे आप अपनी फ़िशेस की प्रॉपर केयर के लिए, अच्छा केयर के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी ऑपरेटेड पंप लेकर रखो, ज़रूर ले लो अभी। आपके पास आप तो इधर उधर खर्चा कर देते हो, 500-600 रुपये एक मूवी देखते हो तो 500-600 रुपये चले जाते हैं, 700-800 रुपये या 1,000 रुपये तक आपको बैटरी ऑपरेटेड एयर पंप मिल जाता है मार्केट के अंदर, जो आपको लगातार 6-8 घंटे तक आपको, या 4 घंटे या 8 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली होता है बैटरी, आप देख लेना लेने से पहले, 8 घंटे तक आपको अगर बिजली चले तब भी उनको ऑक्सीजन पंप मिल जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, किसी का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने 1-2-3 एयर पंप्स के लिंक्स ऐड कर दिए हैं, उसको देख कर आप फॉलो करके वहाँ से ले लेना। तो बस आज मेरे यही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इससे मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला है आज के वीडियो से, आपको भी थोड़ा सीखने के लिए मिल जाएगा आई होप। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसके बारे में जो भी कहना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, जो भी सजेशन देना चाहते हो या जो भी कहना चाहते हो। और प्लीज़ इसके बारे में मत कहना मैं भी बस हो चुका हूँ, ये आप इसमें क्यों रखे, क्रुएल्टी करो यार, मेरी भी मजबूरी समझो, पूरा प्रेशर मेरे ऊपर आ चुका है, ऊपर का पॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ जिसकी वजह से अभी भी इसमें रखा, ऊपर का पॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, वहाँ पर जो फिशेस है इसमें शिफ्ट कर दूंगा, थोड़ा टाइम दो, मुझे भी टाइम चाहिए, मैं भी सुपरमैन होंगे, फटाफट काम हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है। बस आज छोटा टॉपिक ही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज। तो देखिए छोटा सा अपडेट ये है टर्टल्स पॉन्ड और फिश पॉन्ड का, टर्टल पॉन्ड तो तैयार हो चुका है सबने देखा होगा, फिश पॉन्ड का भी काम बाकी है। फिश पॉन्ड का तकरीबन मैं 8 दिन हो गए मटेरियल आए हुए, देखे हम पर मटेरियल पड़ा हुआ है, जंग पकड़ रहा है, बारिश की वजह से जंग पकड़ रहा है, यहाँ पर मैं सब ला के डाला है, मैं क्या बोलूँ, अभी वेल्डर को फ़ोन करता हूँ डेली, बोलता है कल आएंगे परसों आएंगे, ऐसा ही करके ये हो रहा है। आपको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे इसको गेट लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक पूरी जाली लग जाएगी इसके बराबर, और यहाँ पर गेट्स आएंगे ताकि बच्चा कोई उठा के नहीं जाए या बिल्ली वगैरह कोई अंदर ना जाए, और ऊपर छत आएगी, ऊपर कैसे में ना यहाँ पर जैसी छत आई है वी शेप की, यहाँ पर भी छत आएगी ताकि बारिश डायरेक्ट बारिश का पानी अंदर ना पड़े और चील कवे वगैरह मच्छियों को लेकर ना जाए, इसलिए ऊपर छत पड़ेगी और सामने से गेट्स पड़ेंगे ताकि बच्चे कुछ अंदर खाना डाले या कोई भी मच्छी बाहर जंप ना करे, इसलिए यहाँ पर डोर्स आएंगे, ऊपर छत आएगी, उसके बाद यहाँ पर पेंटिंग होगी, जो 3D टाइप की जो ब्रिक्स होते हैं उसकी पेंटिंग होगी,
और ये वाला यहाँ पर जो है सम फिल्टर होगा। तो अभी काम बाकी है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। वेल्डर को पूरा मटेरियल ला के रखा हुआ है, फ़ोन करता हूँ तो बोलते हैं कल आएंगे परसों आएंगे। तो फाइनली बात हुई है, मैंने उसको बहुत उसको डांटा, मैंने बात किया घर पे जाके, तो बोला कि कल ज़रूर आएंगे आकर काम पूरा करेंगे। तो कल आकर करेंगे तो एक दिन तो डोर्स लगाने में, शेड लगाने में लग जाएगा, दूसरे दिन पेंटिंग में लग जाएगा, तीसरे दिन इसका पेंटिंग, चौथे दिन या उसका सेटअप करने में अभी लगभग एक हफ़्ता लगेगा। एक हफ़्ते बाद हम फिशेस को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो और थोड़ा वेट कीजिए, आपको अपडेट में दे दूंगा जो भी होगा फिश पॉन्ड टर्टल पॉन्ड का। टर्टल पॉन्ड तो देखिए टर्टल हैं इसके अंदर, उस पूरा सेटअप हो चुका है, अभी फिश पॉन्ड का बाकी है।